हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल गुड इवनिंग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक फेमस नोवेल, दैट इज टेस ऑफ डब्ल्यू विल्स। टेस ऑफ डब्ल्यू विल्स ए प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड इज ए नोवेल बाय थॉमस हार्डी। इट इनिशियली अपियर्ड इन ए सेंसर्ड एंड सीरियलाइज्ड वर्जन पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इलस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर द ग्राफिक इन 1891, देन इन बुक फॉर्म इन 3 volumes इन 1891 एंड एज ए सिंगल वॉल्यूम इन 1892। जनर है इसका सोशल नॉवल। से क्या मैसेज मिलता है वो ये है कि ये एक लड़की की कहानी है, टेस नाम की लड़की है जिसकी कहानी है। बेचारी की जिंदगी बहुत दयनीय हो जाती है और वो अपनी लाइफ में हमेशा फेलियर ही रहती है। सक्सेस पाते पाते ही वो फेलियर होती है, लेकिन लास्ट में फिर वो मर भी जाती है। अनफेयरनेस डोमिनेट्स द लीव्स ऑफ टेस एंड हर फैमिली टू सच एन एक्सटेंट दैट इट बिगिन्स टू सीम लाइक ए एग्जिस्टेंस इन टेस ऑफ द डब्ल्यूएल्स। टेस डज नॉट मीन टू किल प्रिंस बट सी इज पनिश्ड एनीवे जस्ट एज हर ओवन रैप वाई एलेक। अब किस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं अबाउट इट्स कैरेक्टर। फर्स्ट जॉन डब्ल्यू विल्स, जो टेस डब्ल्यू विल्स का फादर रहता है, ये एक घोड़ा चलाता है और उससे उनके परिवार का जीवन व्यापन होता है। ये पहले बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा इनका मतलब माली हालत अच्छी रहती है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो जाती है और वो घोड़ा चला के अपना जीवन व्यापन करते हैं। कुछ समय बाद में जॉन का और टेस को जब ये बात पता लगती है तो बहुत दुख होता है कि वो अच्छे खासे घर से बिलोंग करने के बावजूद भी उनको घोड़ा चला के एकदम अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो जो इसका स्टार्टिंग होता है वो ऐसे होता है कि टेस जो होती है वो मे डे डांस करती हुई मतलब स्टार्टिंग में मे डे डांस करती हुई मिलती है, जो इसकी प्रोटेगोनिस्ट होती है इस नोवेल की। फिर जब जॉन मतलब असमर्थ होता है घोड़ा चलाने के लिए, तो टेस घोड़ा चलाती है और अपना जीवन व्यापन करती है। फिर वो एक एलेक नाम के लड़के से मिलती है। एलेक हमेशा इसके ऊपर बुरी नजर रखता है और वो चाहता है फिजिकली इसको परेशान करना। टेस हमेशा अपने आप को बचा लेती है, लेकिन एक दिन ये एलेक इसको झांसे में लेके और बोलता है कि तुम मेरे साथ घुड़सवारी करो, और वो घुड़सवारी करते हुए दूसरे रास्ते में ले जाता है और जंगल में ले जाके छोड़ देता है। जंगल में ले जाके छोड़ देने के बाद में जब वो वापस आता है तो देखता है टेस वहीं जंगल में सो रही होती है, तो इसका वो फायदा उठाता है और वो उसको सिड्यूस कर लेता है, फिजिकली सिड्यूस कर लेता है। फिर उसके बाद में टेस जब वापस आती है अपने टाउन में, तब वो प्रेग्नेंट रहती है और वो एलेक के बच्चे को जन्म देती है। सब लोग उसकी तरफ बहुत बुरी नजर से देखते हैं, उसको बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर करती है और अपने बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम रहता है सोरो। एलेक फिर उसके बाद में चला जाता है। फिर उसकी लाइफ में आता है एंजल क्लेयर। एंजल क्लेयर जब एंजल क्लेयर कब आता है, जब वो एक जगह काम करती रहती है और 3 लड़कियों के साथ मिलती है, मेरियन, इजहूट एंड रेटी प्रिडल। ये 3 लड़कियां थी जो इसकी हेल्प करती है और वहां पे काम करके अच्छा खासा जीवन यापन करती रहती है। वहां पे एंजल रहता है और एंजल बहुत सुंदर रहता है और ये 3 लड़कियां से मतलब इसको पसंद करती है, लेकिन ये जो एंजल रहता है ये सिर्फ टेस को पसंद करती है और टेस को पसंद करता है, और फिर वो टेस को प्रपोज भी करता है फॉर मैरिज, लेकिन वो पहले तो मानती नहीं, फिर बाद में मान जाती है। लेकिन जब मान जाती है उसके बाद में वो अपनी सच्चाई बताती है कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। अभी आता है पॉइंट ऑफ व्यू एंजल का। एंजल इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो सोचता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो सोचता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं ब्राजील जाके आता हूँ, तब तक तुम यहाँ रहो। टेस को छोड़कर वो ब्राजील चला जाता है और उसके जो फादर एंड ब्रदर्स जो रहते हैं वो पादरी रहते हैं। वो सोचता है शायद टेस को मेरे फैमिली लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और शायद अब मैं भी मेरे माइंड में इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, ये सोच के वो चला जाता है। फिर एलेक बाद में वापस आता है। वापस आने के बाद में जब वो टेस के पीछे पड़ जाता है तब वो मेरियन फार्म में काम करती रहती है जिसका नाम रहता है ब्लेक स्टारबक फार्म।
उस पे वो काम करती रहती है और वहां पे उसको वापस एलेक मिलता है और फिर उस टाइम पे ही टेस के फादर की डेथ होती है और उनकी और हालत खराब हो जाती है। इसका फायदा उठाता है एलेक और बोलता है कि मैं तुम्हारी जो फैमिली है उसका सारा भार अपने ऊपर ले लूंगा, तुम्हें हर तरह से हेल्प करूंगा, लेकिन इससे इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प माननी पड़े, मेरी शर्त माननी पड़ेगी। शर्त ये होती है कि तुम वापस मेरे पास आ जाना, क्योंकि उस टाइम पे भी एलेक का दिमाग टेस की तरफ वैसा ही था जैसे पहले था। वो उस टाइम भी उसको बार बार सेड्यूस करने की सोचता रहता था। फिर टेस बेचारी मजबूर होकर एलेक के पास वापस आती है और फिर उसके साथ में ही रहने लग जाती है। फिर एंजल को अब रियलाइज हो जाता है कि टेस सही है, टेस गलत नहीं है, तो वो वापस आता है और टेस को बहुत ढूंढता नहीं मिलती है। फिर मिलती है उस फार्म पे, मेरियन फार्म पे, तब टेस बोलती है कि तुम चले जाओ, अभी मैं एलेक के साथ हूँ। फिर ऐसे करते करते इन दोनों के अंदर एलेक और एंजल में बहस हो जाती है, तो एलेक इस पे अटैक करना चाहता है, तो टेस क्या करती है एलेक को किसी नुकीली चीज से मार देती है और मार देने के बाद में वो उसको, वो दोनों भाग जाते हैं, भाग के कहीं पे छुप जाते हैं, लेकिन फिर भी टेस पकड़ी जाती है और एंजल और एक उसकी टेस की बहन दोनों बाहर खड़े रहते हैं। और लास्ट का सीन ऐसे होता है कि ये दोनों बाहर खड़े रहते हैं और जहां पे टेस बंदी बनाई जाती है वहां पे एक ब्लैक कलर का झंडा रहता है, वो फहराया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो टेस है उसको फांसी दे दी गई है। इस प्रकार ये लास्ट में मर जाती है। तो ये स्टोरी है टेस की, जो स्टार्ट करती है अपनी लाइफ प्योरिटी से, लेकिन उसकी लाइफ में उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी वो इतना परेशानी झेलती है जिंदगी में, कहीं भी उसको सक्सेस नहीं मिलता है, कहीं भी वो अपने प्योरिटी को क्लैरिफाई नहीं दे पाती है। लास्ट में अगर उसको मिलता है तो वो होता है उसकी मौत, जो कि उसका वो भी उसका कोई फॉल्ट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसको मौत मिलती है और इसका जो एंड है वो ट्रेजिक एंड होता है। तो ये है कहानी थॉमस हार्डी के प्ले टेस ऑफ डब्ल्यू वेल्स की, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।